दोस्तों, दाद खाज खुजली एक ऐसी समस्या है जो कि अगर किसी व्यक्ति को पहली बार हो जाए तो उसके बहुत ही ज़्यादा दिन के बाद वो ठीक होता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना इलाज तो करवाते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, और अगर ठीक भी हो जाए तो वो दोबारा से हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि अगर आप मेरे बताए अनुसार सिर्फ एक बार ही उसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपनी पुरानी से पुरानी और भयंकर से भयंकर दाद खाज खुजली की समस्या को बहुत ही आसानी से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, साथ ही साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। दोस्तों, अगर आपके घरों में एलोवेरा का पौधा है तो आप यहाँ पर फ्रेश और ताज़ा एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ले लेते हैं मात्र एक चम्मच की मात्रा में एलोवेरा जेल। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों नीम की पत्ती। दोस्तों, नीम तो स्वाद में कड़वा होता है लेकिन अगर हम इसके फायदे जानेंगे तो हमें जानकर बहुत ही हैरानी होगी। दोस्तों, इन्हीं सारे फायदों में से एक फायदा है फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद खाज खुजली की समस्या को जड़ से खत्म करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेने हैं नीम की पत्तियाँ कम से कम 50 ग्राम, और उसे बहुत ही अच्छी तरह से पानी में धो लेने हैं, और धोने के बाद से उन पत्तियों को पीस कर पेस्ट बना ले। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही इस नीम की पत्तियों को पीस कर पेस्ट तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लेने हैं मात्र 1 से 2 चम्मच की मात्रा में पेस्ट। दोस्तों, इसके बाद से हम इन दोनों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी दाद खाज खुजली की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे, और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और ये दाद खाज खुजली की समस्या दोबारा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सुबह और शाम 2 टाइम करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दाद खाज खुजली वाले जगह को बहुत ही अच्छी तरह से हल्के गुनगुने पानी से धो लें, और पानी से धोने के बाद से आप एक सूखी कपड़े की सहायता से पोंछ लें, और पोंछने के बाद से आप इन पेस्ट को अपने दाद खाज खुजली के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करें। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए अनुसार सुबह शाम कम से कम 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दाद खाज खुजली की समस्या बहुत ही आसानी से जड़ से ख़त्म हो गया। दोस्तों, साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके खुजली वाले जगह के ऊपर साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इससे आपकी खुजली फैल सकती है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।